क्या आपको पता है एरिया 51 में क्या होता है और एरिया 51 को लोगों से क्यों छुपाया जा रहा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एरिया 51 यूएसए का सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। यह मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट एरिया 51 के सारे चीज़ों को टॉप सीक्रेट रखते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एरिया 51 में एलियंस के बॉडी पर टेस्टिंग किया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। एरिया 51 की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि इसका प्रोटेक्शन इस एरिया के ऊपर हेलीकॉप्टरों द्वारा किया जाता है। इस वीडियो में हम एरिया 51 के बारे में 5 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। फैक्ट नंबर 5, एरिया 51 अमेरिकी सैन्य मिलिट्री का अड्डा है जो रेगिस्तान से घिरी हुई है। एरिया 51 में नए नए एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग किया जाता है और साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। अमेरिकी सैन्य मिलिट्री ने एरिया 51 को अपना अड्डा 1955 में बनाया था क्योंकि एरिया 51 शहरों से काफ़ी दूर है, जिसके कारण अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और साथ ही इस एरिया के बारे में किसी को भी नहीं पता है, किसी भी देश को नहीं पता है, इसलिए अमेरिकी सैन्य मिलिट्री ने इसे अपना अड्डा बनाया था। फैक्ट नंबर 4, कहा जाता है कि 1947 में एरिया 51 में एक यूएफओ क्रैश हुए थे जिसमें एक एलियन की बॉडी भी थी। यह एलियन दिखने में मानव जैसा ही था। इसे एरिया 51 में छुपा लिया गया और इस पर रिसर्च किया जा रहा है। और साथ ही जो यूएफओ क्रैश हुए थे उस यूएफओ के बारे में भी रिसर्च किया जा रहा है कि आखिर ये यूएफओ काम कैसे करता है और ये उड़ता कैसे है। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका ने एरिया 51 को इतना सीक्रेट रखा है कि इसे अपना मैप में भी नहीं दिखाया है। अगर आप अमेरिका के मैप देखोगे तो उसमें एरिया 51 कहीं भी नज़र नहीं आएगी। एरिया 51 के बारे में किसी को भी नहीं पता था। एरिया 51 के बारे में 2013 में लोगों को पता चला और वो भी केवल ये पता चला कि एरिया 51 नाम का जगह है। ये नहीं पता चला कि एरिया 51 के अंदर होता क्या। बस गवर्नमेंट ने सबको ये बताया एरिया 51 के अंदर एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग किया जाता है, बस इतना ही बताया गया। फैक्ट नंबर 2, एरिया 51 को इतना सीक्रेट रखा जाता है कि इसमें काम करने वाले लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। एरिया 51 के 16 किलोमीटर पहले ही एक रिस्ट्रिक्शन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। यह एक रिस्ट्रिक्शन बोर्ड होता है, अगर कोई भी इसके आसपास भी भटकता है तो उसे या तो गोली मार दी जाती है या उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट्स का यही रूल है। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, एरिया 51 को इतना सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है कि इस एरिया की निगरानी हेलीकॉप्टरों द्वारा की जाती है। यहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई भी सैटेलाइट इस एरिया का इमेज कैप्चर तक नहीं कर सकता, क्योंकि पिक्चर क्लिक करना सख्त मना है। यहाँ तक कि कोई यहाँ पे वीडियोस भी नहीं बना सकता। तो आप समझ सकते हो कि इस एरिया का सिक्योरिटी कितनी टाइट है। तो ये था एरिया 51 के बारे में 5 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।